અને હવે મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી શરૂઆત કરીશું. રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. જી હા, હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ અને છોટાઉદેપુરમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. દાહોદ, દાદરાનગર હવેલી, સુરતમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. 8 જૂને રાજ્યમાં વરસાદ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં 2 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. આપને જણાવી દઈએ, કાળઝાળ ગરમીમાંથી, ઉનાળામાંથી હવે ધીમે ધીમે રાહત મળી રહી છે ગુજરાતવાસીઓને. 8 અને 9 જૂને રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી. અમદાવાદમાં પણ 2 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. દાહોદ, દાદરાનગર હવેલી, સુરતમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હજુ પૂરા રાજ્યમાં વરસાદ નહીં પડે, પરંતુ કેટલાક ભાગોમાં આજે હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. आज के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है और डे 7 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है. और जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होगी वो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात रीजन के, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, दमन, दादरा नगर हवेली और सौराष्ट्र रीजन के गिर सोमनाथ और दीव हैं जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है. और डे 7 की बात करेंगे, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, दमन, दादरा नगर हवेली और पंचमहल और दाहोद. और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है डे 7 को, वो डिस्ट्रिक्ट हैं गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और भावनगर. आज जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, छोटा उदयपुर, दाहोद, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए, ये इसका कारण है एक गुजरात रीजन पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पे इन जगहों पे आज होने का पूर्वानुमान है. अहमदाबाद में क्लाउडी कंडीशन बनी रहेगी आज और कल के लिए. हाँ, ये प्री मानसून एक्टिविटी है आज के लिए, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है. ये तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नोलार चेंज में रहेगा. और मैक्सिमम टेम्परेचर रिलाइज की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, तो अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 41.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है. और फोरकास्ट की बात करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, अहमदाबाद के लिए 43 और गांधीनगर के लिए 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर का पूर्वानुमान दिया गया है.